नमस्कार, आशीष मित्तल अगेन फ्रॉम आरसम। फ्रेंड्स, दिस यूनिट आई हैव शोन यू इन वीडियो नंबर 240 एंड दिस दैट वाज इन 3.5 feet, दिस वन इज 5.5 feet। मंदिर हम बनाते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब भी आप किसी मंदिर की शॉप पर जाएंगे, उनके पास कुछ स्टैंडर्ड साइज होंगे, स्टैंडर्ड डिजाइन होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पेस के हिसाब से और आपके पसंद के हिसाब से मंदिर डिजाइन हो, तो उसके लिए आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मंदिर आपको आपकी पसंद का मिले। इसके लिए हम आपको डिजाइन भी, साइज भी और जो भी आप चेंजेस चाहें, वो सब आपके हिसाब से बनाकर देते हैं। जैसे कि हमने ये यूनिट बनाई है, ये यूनिट जा रही है बैंगलोर और इसका साइज है 5.5 feet आउटर, 30 inches 2.5 feet फ्रंट टू बैक और टोटल हाइट है 6 feet, 6 feet। सो 5.5 feet बाय 2.5 feet एंड 6 feet हाइट। द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से प्लेटफॉर्म की हाइट है 21 inches, बीच का एरिया है 33 inches और डोम है लगभग 18 inch की ऊपर। तो टोटल ये मिलाकर बनता है लगभग 6 feet के आसपास। इसमें है आपकी 3 drawers, 1, 2, एक मिडल में ड्रॉवर और दिया ट्रे। सेंटर में है स्टेप, ये स्टेप सिंगल या डबल जैसे आपको चाहिए वैसी बन जाएगी। स्टेप कैन बी डिजाइन एज पर योर रिक्वायरमेंट, इफ यू वांट अ बिगर स्टेप और मोर स्टेप्स दैट कैन बी डन। इट हैज गॉट ब्रास बेल्स इन द फ्रंट, नाइस ब्रास बेल्स and the Gopuram design. This unit is knocked down in folding and can be easily assembled on site. अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका installation. I'm showing you the installation part, how easy it is and how easily you can do at home. Now first, these bells, I'll remove it because we'll hang it later. These are the brass bells. This is a 2 inches bell, 2 inches diameter and solid brass with a silver lining in the middle, very nice bells. Now it has got 4 bales, इसमें 4 bales हैं। Here, अगर आप ये देखें, ये wood में ही screw काटा गया है। This is inside the wood itself, and that goes inside the pillar. The pillar inside has other screw, so it can be tightened inside. The Gopuram part is a little heavier piece because it's a bigger size. काफी इसमें थोड़ा वजन होता है क्योंकि ये बड़ा साइज है। Now if you see here, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमने स्लॉट्स प्रोवाइड किए हैं जिसके अंदर प्लाई जाकर फिट हो जाएगी दोनों साइड से। इसके बैक पोर्शन में प्लाई है, वुड नहीं है, ये अंदर इसके पोर्शन में जाकर फिट हो जाती है जिससे आपको कोई स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं है। This is the ply portion at the back, और पीछे भी मंदिर में वैसे ही स्लॉट्स हैं जैसे कि हमारे टॉप पार्ट में हैं। फ्रंट में है हमारे पास ये 4 pillars, सेम वैसे ही स्क्रू बनाया गया है और यहां पर स्क्रू के लिए स्पेस है। सो दीज 4 pillars आर tightened इन दीज 4 round holes दैट यू सी। नाउ दिस बेस पार्ट, जो चौकी पार्ट है, दिस इज अ फिक्स्ड पार्ट, वी कैनॉट फर्दर नॉक इट डाउन। इसे नॉक डाउन करना बहुत मुश्किल भी है और फिर इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी लगेगी, इसीलिए हम चौकी किसी मंदिर की फोल्ड नहीं करते, चौकी हर मंदिर की हम फिक्स ही देते हैं। सो दिस इज अ फिक्स्ड पार्ट। नाउ दीज पिलर्स गोज इनसाइड द स्लॉट्स, टाइटन बाय हैंड, एज दिस इज अ वुड स्क्रू, दिस इज नॉट स्टील और समथिंग, यू नीड नॉट अप्लाई टू मच प्रेशर, जस्ट अ लिटिल इजी हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड। आराम से टाइट कीजिए, बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार सेट होके अपनी जगह खुद आ जाएगा ये। अब टॉप पार्ट की बात करें, पीछे के स्लॉट्स में प्लाई जाने के बाद ये अपने आप अपनी जगह ले लेगा। अब हमें सिर्फ टाइट करने हैं इसमें 4 bales, पिलर का होल मिलाकर। आपको अब ये
डोम इसके ऊपर रखनी है और बेल्स टांगनी है। आपके मंदिर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट। थोड़ा सा साइज बड़ा होने की वजह से इसका वजन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा नॉर्मल साइज होगा तो वेट अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। डिजाइन आपके सामने है, इंस्टॉलेशन मैंने आपको दिखाई, बहुत इजी इंस्टॉलेशन है। कुछ भी आप जानना चाहें मंदिर के बारे में, वास्तु के बारे में, मंदिर के लिए, और कुछ आपके क्वेरीज हो, इफ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट द यूनिट, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल अस। इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन यू हैव द लिंक फॉर आवर वेबसाइट। If you click that link, it will take you to our website. हमारी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, उस पर बहुत सारे मंदिर लिस्टेड हैं साइज और प्राइस के साथ, आप देख सकते हैं। और ये हमारे सहारनपुर की कला है, ये हस्तकला है। दिस इज हैंडीक्राफ्ट, दिस इज नॉट मशीन मेड, दिस इज ऑल मेड बाई हैंड्स। आई होप यू लाइक आर आर्ट, आर वर्क, द प्रोसेस वी यूज टू मेक द यूनिट फोल्डिंग एंड द ओवरऑल वर्क। होप यू लाइक दिस। आई रिक्वेस्ट फॉर अ फ्यू कमेंट ऑफ योर्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ कमेंट्स बताइए, कुछ बताइए हमें हमारे काम के बारे में। अगर आपको कुछ और लगता है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, कृपया हमें बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।